फाइनली यार ये मेरा सबसे पसंदीदा पार्सल आ चुका है गाइस। यहाँ पे दो तीन चार पार्सल यहाँ पे आना बाकी है, बट उनमें से सबसे फेवरेट पार्सल मेरा ये है और ये फाइनली आ चुका है। बट इस वीडियो में मुझे बताना तो है ही कि इस पार्सल में क्या है, बट वीडियो को बिना स्किप किए एक बार आप कमेंट कर दो कि इस पार्सल में क्या हो सकता है। इस पार्सल में जो चीज़ है उस कंपनी का मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं उस कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ एंड मैंने एक और प्रोडक्ट मैंने अपना सेटअप में ऐड कर लिया है जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है उस कंपनी का। और मैं इसका रिलीज़ के लिए मैं बहुत दिनों से यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब बनाएगा, बट फाइनली उन्होंने जो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और मेरे को इंडिया के अंदर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मिल भी गया है। तो चलो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ कि इस बॉक्स में क्या है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे इंतजार नहीं हो रहा है, वेट नहीं हो रहा है। एंड मैंने जैसे कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि एक मेगा अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा, तो ये वाला भी इस वीडियो में शामिल हो सकता है, बट मैं इसको थोड़ा सा पहले ही मतलब खोल रहा हूँ बिकॉज मेरे से एकदम बिल्कुल भी यहाँ पे वेट नहीं किया जा रहा है। तो यार फिलहाल के लिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका पीसी के लिए गेम चेंजिंग कैसे हो सकता है। बट फिलहाल का टाइम में इसको फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मेरे पास कैची वैची नहीं है तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से फाड़ रहा हूँ, एंड छोटा सा पार्सल है तो कैची वैची का ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से खोल लेता हूँ। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा किया है जिन्होंने यहाँ पे भेजा है, तो अ बिग थम्स अप फॉर योर गुड पैकेजिंग। कोई भी यहाँ पे डैमेज तो नहीं लग रहा है मेरे को। तो यार ये जो चीज़ है ना, मैं इसको काफ़ी दिनों से बनाने का ट्राई कर रहा था, DIY बनाने का ट्राई किया था और फिर बहुत सारे तरीके से यहाँ पे बनाने का ट्राई किया था, बट मेरे से नहीं हुआ। कोडिंग करके भी बनाने का ट्राई किया था बट मेरे से नहीं हुआ। बट फाइनली ये जो कंपनी है ऑफिशियली एक ये जो प्रोडक्ट है इसको लॉन्च कर दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैं फाइनली इसको जो यूज़ कर पाऊँगा एंड मैं अपना जो PC है या फिर जो सेटअप है उसको पूरा पूरी यहाँ पे RGB में बदल पाऊँगा। तो ये खुल चुका है, देख सकते हो, और ये है, अभी भी टाइम है, बता सकते हो क्या है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। टैंटन, लोगो देख के समझ नहीं रहे हो क्या चीज़ है? वेल, ये है रेजर क्रोमा, मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। ये है रेजर क्रोमा एड्रेसेबल RGB कंट्रोलर। ये दो तीन दिन पहले अभी रिलीज़ हुआ है एंड मेरे को अभी इंडिया में भी मिल गया है, किसी एक सेलर के पास था तो मैंने उनसे मंगवा लिया है। और सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये एक RGB कंट्रोलर है जो कि आपके हर एक पेरिफेरल के साथ यहाँ पे कंपैटिबल है, चाहे आपके पास फैनटेक का हो, गामडियास का हो, चाहे आपके पास एनटेक का हो, कूलर मास्टर का हो या फिर डीप कूल का हो, जितने सारे भी RGB पेरिफेरल्स हैं सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पे आप इस कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हो, वो भी Synapse 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर। मतलब Synapse 3 सॉफ्टवेयर के जरिए आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, रेजर का Synapse 3 जो है वन ऑफ दी बिगेस्ट यहाँ पे RGB सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप जब बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी पेरिफेरल अभी खरीदते हो और अगर आपके पास ये कंट्रोलर है तो आप जो उसको रेजर Synapse 3 के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, रेजर Synapse 3 में आपको भर भर का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। आप क्या ही नहीं बना सकते हो, एनी थिंग यू कैन मेक ऑफ योर यू नो RGB प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप जो किसी भी तरीके का इफेक्ट बना के यहाँ पे डाल सकते हो इफेक्ट। और ये जो कंट्रोलर है ना, इसके साथ आप जो अपने फैंस का जो LEDs है उसको पर LED यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी फैन हो, कोई भी LED स्ट्रिप हो, पर LED यहाँ पे आप जो कंट्रोल कर सकते हो या फिर कस्टमाइज कर सकते हो, विच इज़ अ बिग डील टू मी। एंड मैं इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो यार उसके लिए भी बने रहना। और अगर आप भी अपना PC को जो है RGB से भरपूर बनाना चाहते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा कंट्रोलर के साथ यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो में बने रहो। पहले हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो ये देख सकते हो, ये पीछे लिखा हुआ है, प्राइसिंग इसका है 5,999 रुपीज़, बट मैंने इसको खरीदा है 5,250 रुपीज़ में। तो यार मेरे हिसाब से इसका प्राइस ना चाहिए था 4,500 रुपये, बट अभी नया नया आया हुआ है तो इसलिए स्टॉक मिलना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोगों को लाइक 5,000 रुपये में लेना पड़ा। इसके साथ सबसे पहले आपको मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिलता है। इसके साथ रेजर ने दिया है एक क्या दिया है, एक बार खोलते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये खुल चुका है। और इसके साथ आपको मिलता है एक वाओ, इसके साथ आपको मिलता है USB 2.0, मतलब USB 2.0 हेरड 2 USB प्लस ये जो पावर कॉर्ड है कुछ इस तरीके का DC पावर कॉर्ड, और साथ में आपको इसमें मॉलिक्स कनेक्टर भी मिलता है। लाइक इसमें आपको सॉरी दो केबल्स यहाँ पर आपको मिलता है, एक तो आपका माइक्रो USB 2.0 हेरड, ये आपका एक केबल है, और दूसरा आपका पावर केबल है जो कि यू नो DC टू मॉलिक्स है। यहाँ पे सेटा देता तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात रहता है, क्योंकि आजकल सेटा ही चल रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने जो है मॉलिक्स कनेक्टर दिया है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्स कनेक्टर दिया है और ये DC इनपुट है, तो यही दो वायर्स आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वायर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे वायर देके रखे हैं। और देखते हैं बाद में आपको क्या मिलता है। और यहाँ पे आपको एक
पेपर गाइड मिलता है जो कि आप ज़रूर पढ़ें इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे बड़ा सा पेपर यूज़र मैनुअल, ओ भाई क्या क्या गिर गया है। तो ऑब्वियसली आपको एक रेजर का स्टिकर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा सा जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आजकल रेजर जो है हर एक प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे एक रेजर स्टिकर यहाँ पे फ्री में यहाँ पे बांट रहे हैं, तो यहाँ पे आप भी अपने लिए एक ले सकते हो और अपना पीसी में लगवा सकते हो। तो भाई ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि चमकीला है और इसमें भी RGB वगैरह डाल रखे देख सकते हो RGB जिससे यहाँ पे रेजर भरपूर है। तो ये मिलता है और आपको एक बड़ा सा यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जिससे मेरा फेस पूरा ढक गया, बट स्टिल यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल वगैरह पढ़ सकते हो अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो। बाकी मैं इसका फर्स्ट पेज एंड इस पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंट्रोलर कैसा है। एनीवे इसको हम लोग साइड में रखते हैं। लास्टली यहाँ पे हम लोगों को मिलता है द कंट्रोलर इटसेल्फ, ऑफ कोर्स आप लोग इसी का तो वेट कर रहे थे है ना। और ये जो कंट्रोलर है भाई यार, दिस इज रियली गेम चेंजिंग। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसका स्पेक्स ऑलरेडी पढ़ रखा था और मतलब पहले पढ़ रखा था एंड मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये गेम चेंजिंग है। तो ये मैंने इसको बॉक्स से निकाल दिया है और ये कुछ 3M टेप्स है, बहुत ही पतला है, तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही मतलब स्लिम तरीके से इसको माउंट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3M टेप दो देखने को मिल जाता है, एक ये है और एक यहाँ पे गिर चुका था, तो यहाँ पे आपको 3M टेप्स दो देखने को मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। फाइनली ये है हमारा कंट्रोलर, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये हमारा कंट्रोलर। पीछे आपको SSD माउंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अपना SSD ट्रे में इसको माउंट कर सकते हो या फिर 3M टेप के जरिए आप इसको कुछ इस तरीके से कहीं पे भी चिपका सकते हो, ठीक है। सामने आपको रेजर का क्रोमा कंट्रोलर, आपको कुछ रेजर का यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और पीछे के साइड यहाँ पे आपको रबर का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, मतलब ये सारे जो पूरा यहाँ पे पोर्शन है वो यहाँ पे रबर का बना हुआ है, बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ये पूरा का पूरा चीज़ है यहाँ पे रबर का बना हुआ है ताकि इसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए इसको माउंटिंग करते वक्त, तो आप जो है उसका आपका जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर सेफ रहे। सामने आपको रेजर का यहाँ पे ब्रांड नहीं देखने को मिल जाता है, मैंने आपको दिखाया ही है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा मेरे चैनल में तो उसके लिए वेट करना। और यहाँ पे आपको दो पिन देखने को मिल जाता है, एक तो आपका DC इनपुट पिन और दूसरा यहाँ पे माइक्रो USB पिन देखने को मिल जाता है, तो इससे आपका पावर जाएगा और इससे आपका डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़। यहाँ पर आप इस कंट्रोलर के साथ इधर तीन, ठीक है, तीन और इधर तीन, छः यहाँ पे RGB फेरिफेरल्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ 6 RGB फेरिफेरल्स नहीं, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप जो एक ही फेरिफेरल्स को यहाँ पे डिजिट चेंज करके बहुत सारा लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप जो ऑलमोस्ट बहुत सारे फेरिफेरल्स लगा सकते हो इसके साथ, जो कि आपका जो भी आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो तो आप वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लगा सकते हो और उसको जो है डिजिट चेंज करके लगा सकते हो। और यहाँ पे ये 6 जो पोर्ट्स है इसमें पर पोर्ट में अप टू 8 TGs का सपोर्ट है, यानी कि आप जो है पर पोर्ट में या तो 3 फैंस लगा सकते हो या फिर या तो यू नो 8 TGs से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर 80 TGs से यहाँ पे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो वो LEDs आपका नहीं जलेगा, तो उसके लिए आपको दूसरा पोर्ट में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोर्ट में अगर 80 LEDs होता है तो 6 पोर्ट का यहाँ पर टोटल 240 LEDs यहाँ पर आप जो है इस डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरे हिसाब से अगर आपके पास गेमिंग PC है और उसमें जो है बहुत सारे गेमिंग फेरिफेरल्स है, RGB फेरिफेरल्स हैं, तो मेरे हिसाब से 240 LEDs से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अगर आप सारे के सारे फेरिफेरल्स लगा दोगे फिर भी आपका 240 LEDs जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। रीज़न ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसलिए इंप्लीमेंट किया है, तो इस चीज़ को मैं अपने RGB फैंस के साथ, अपने RGB LED स्ट्रिप के साथ, अपने जितना सारे भी RGB चीज़ें हैं उसके साथ यहाँ पे यूज़ करने का सोच रहा हूँ। एंड आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको मेरा PC में जो है और भी RGB कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के जरिए, जिसमें मैं अपना फैंस लगाऊंगा, जिसमें मैं अपना LED स्ट्रिप लगाऊंगा, जिसमें मैं एक म्यूजिक विजुलाइजर बनाने का ट्राई करूंगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रेजर का स्नैप 3 जो है म्यूजिक विजुलाइजर को भी सपोर्ट करते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे इस कंट्रोलर के जरिए बना सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, रेजर का पहले एक और RGB कंट्रोलर आता था जो कि था रेजर का हार्डवेयर डेवलपमेंट किट, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम था कि उसमें जो है रेजर का प्रोप्राइटरी यहाँ पे कनेक्टर्स लगता था, सिर्फ रेजर का यहाँ पे LED स्ट्रिप ही जलता, दूसरा को यहाँ पे LED स्ट्रिप नहीं जलता। बट रेजर ने जो ये नया RGB यहाँ पे कंट्रोलर बनाया है इसमें आपका सारे के सारे WS2811, WS2812, WS2812B जितना सारा भी RGB LEDs होते हैं, ARGB LEDs होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे लग जाएगा, और लगाने के बाद जो है आप उसको पर LED के हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कूलर मास्टर का फ़ैन है
तो वहाँ पे फैंस का जो एलईडीज है उसको आप इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें जो है आप जो है कोई इफेक्ट डाल सकते हो दूसरे किसी कंट्रोलर से, बट उसको जो है आप इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो चीज़ जो है आप रेजर का ये वाला कंट्रोलर के साथ कर सकते हो, विच इज़ अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। एंड आई नो आप लोग बोलेंगे कॉर्सर के पास तो ये ऑलरेडी है, कॉर्सर का जो आरजीबी लीज स्ट्रिप है उसको आप जो है इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, आई नो आप उसमें कर सकते हो, बट कॉर्सर का जो लाइटनिंग कमांडर प्रो है या फिर लाइटनिंग नॉट प्रो है उसमें जो है कॉर्सर का प्रोप्राइटरी आरजीबी स्ट्रिप लगता है, कॉर्सर का प्रोप्राइटरी आरजीबी फैंस लगता है, आप जो उसमें थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पे आरजीबी पेरिफेरल्स नहीं लगा सकते हो, जो कि आप रेजर के साथ लगा सकते हो, और लगा के जो है किसी भी ARGB LED स्ट्रिप का, किसी भी ARGB फैंस का जो है पर LED कंट्रोल कर सकते हो, उसमें जो कोई इफेक्ट डाल सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं बहुत सारे ARGB LEDs या फिर ARGB स्ट्रिप्स लगाने का सोच रहा हूँ एंड दिस थिंग इज जस्ट परफेक्ट फॉर माई सेटअप, और इसके लिए मैंने 5,000 रुपये पे किया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वसूल करना ही है। तो यार 2-3 दिन में इसको मैं अपना सेटअप में लगाने वाला हूँ और इसका एक प्रॉपर यू नो रिव्यू वीडियो लाने का बहुत जल्दी ट्राई करूँगा क्योंकि ये जो है बहुत नया डिवाइस है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। तो उस वीडियो में मैं आपको इस रेजर का जो कंट्रोलर है उसको यहाँ पे Snapstreet से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसके सारे के सारे RGB effects दिखाऊंगा, किस तरीके से Snapstreet में लगाने के बाद इसका लेआउट कैसा आता है वो सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ घंटा लाइक को दबाना है ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस है उसको मिस ना करो। फिलहाल के लिए इतना ही था अनबॉक्सिंग। रेजर जो है काफी बढ़िया काम कर रहा है फिलहाल के मार्केट में, कस्टमर्स को जो चीज चाहिए वो चीज रेजर जो है उनको ऑफर कर रहा है, तो ये जो है काफी बढ़िया बात है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। रेजर ये जो चीज है इसको बनाया है, उसके बाद जो एक टूर्नामेंट एडिशन कीबोर्ड बनाया है विद OEM प्रोफाइल की कैप्स, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा काम किया है। तो रेजर जो है RGB पेरिफेरल्स के यहाँ पे मार्केट में काफ़ी धूम मचा रहा है एंड मैं आने वाला टाइम में रेजर का एक AIO लिक्विड कूलर देखना ज़रूर पसंद करूँगा, पता नहीं वो कब बनेगा बट फिलहाल के टाइम में मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लोग जो है एक ARGB लिक्विड कूलर बनाए, साथ साथ अगर रैम भी बना देता तो बहुत ही बढ़िया बात है। दिस इज़ अ गेम चेंजिंग कंट्रोलर टू बी ऑनेस्ट एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता, तब तक के लिए यार बाय बाय।